हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 12 को करेंगे, जो कि क्लास 9th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान, लोकतांत्रिक राजनीति और पाठ नंबर है 2, संविधान का निर्माण। ये सब आपकी एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। तो देखते हैं कि क्या लिखा गया है इसके अंदर, हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है। इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है। इसमें वह दर्शन जिसमें पूरे संविधान का निर्माण हुआ है, इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ है ना, तो उसके पीछे सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही बात लिखी गई है। उसमें हमने पहले भी के बारे में पढ़ा था, पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। इसमें कहा कि बहुत सारे नेताओं ने विचार विमर्श किया है, उसके बाद इस संविधान का जो है संविधान की प्रस्तावना को रखा गया है। भारत के संविधान की शुरुआती बुनियाद मूल्यों के साथ होती है। तो भारत के जो संविधान की शुरुआत कहाँ होती है, बुनियादी मूल्यों के साथ में, जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। मतलब कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी संविधान के बुनियादी मूल्य हैं, एक ढांचा है, वो कुछ बुनियादी ढांचों के साथ में क्या किया गया है, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका रखी गई है। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी एक देश को स्वतंत्र या एक देश को एक बनाए रखने का इनका मेन मोटिव था कि हमारे देश को एक बनाया जाए। तो संविधान के जब निर्माण किया गया तो उस समय इसकी जो कमेटी बनाई गई थी, सभा बनाई गई थी, उसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं था। ये बहुत हैरानी की बात है, लेकिन हाँ ये सत्य है कि उस समय जो सभा बनाई गई थी संविधान को लेकर, उसमें महात्मा गांधी नहीं थे, लेकिन उनके बहुत से अनुयायी थे जो इस सभा के सदस्य थे। तो उनका एक मानना था कि भारत को एक करना है, जहाँ पे बिल्कुल भी भेदभाव या धर्मनिरपेक्षता या बिल्कुल भी क्या हो, ऊंच नीच ना हो, सब भारतीय एक जैसे ही हों। तो इन्हें क्या कहा गया था, बुनियादी मूल्य कहा गया था, जिससे कि क्या हो, भारत की एकता को बढ़ाया जा सके। तो अब हम पढ़ते हैं बुनियादी मूल्य क्या हैं। तो हम देखते हैं कि भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हैं। तो हम नंबर 1 यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो भारत के नागरिक हैं वो कोई भी फैसला लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जैसे कि अगर हमें हमारे लिए कोई फैसला लेना है तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता है कि आप ये चीज़ करेंगे और ये चीज़ नहीं करेंगे। हमारा जो फैसला है वो पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि भारत का हर एक नागरिक फैसला लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है कि अपना जो फैसला है वो आप बिना किसी रोक टोक के आप अपना फैसला ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्या था, प्रभुत्व संपन्न। सेकंड क्या है, बंधुता में क्या कह रहा है, देखिए देश के सभी एक परिवार की तरह आचरण करें, आपसी भाईचारे बनाए रखें। मतलब कि जो पूरा देश है वो आपस में क्या रहे, एक परिवार के जैसे रहे और एक दूसरे की देखरेख करें, आपस में मेल मिलाप बना के रहे और भाईचारे की भावना रखें। किसी के लिए हिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि सबके लिए भाईचारे की भावना रखो। हमेशा हम ये सीखते आए कि हमेशा हमें हेल्पफुल होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। तो इस बात का ध्यान रखा गया कि बंधुत्व का मतलब है कि भाई बहन का प्यार या भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, दूसरों के लिए दया भाव या ये सब हमें रखना चाहिए। ये हमारे संविधान के बुनियादी मूल्यों में से एक है। नंबर 3 पर है समानता। नंबर 3 पर क्या है, समानता। देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जितने भी नागरिक हैं भारत में वो सभी क्या है, समान है। वहाँ पे कुछ नहीं ऊंच नीच या अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं है, सबके सब क्या है, समान है। सामाजिक असमानता की समाप्ति और सभी नागरिकों को समान अवसर की उपलब्ध कराना, मतलब कि अगर सभी नागरिकों को हर चीज़ का क्या है, समान अवसर मिलेगा। अगर कोई नौकरी की बात होती है तो सबको वहाँ पे क्या मिलेगा, नौकरी की समान उपलब्धता मिलेगी। और सामाजिक जो असमानता है उसको क्या करना है, समाप्त करना है। इसमें यहाँ पे देश में जिससे कि क्या आ सके, समानता आ सके, ठीक है, सबको समान। यहाँ पे क्या कहना चाहता है, देखो सबको क्या मिलेगी, एकदम समान, हर एक जहाँ पे भी वो जाता है उसे क्या मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाए और गरीब को ना दिया जाए। इस टाइप की जितनी भी भावनाएं हैं उसको परे करके सभी को समान दृष्टि से देखना ही क्या है, हमारे संविधान का बुनियादी मूल्य है।
नंबर थर्ड पे क्या कहता है, स्वतंत्रता। देश के नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। आज हमें बोलने की स्वतंत्रता, अगर आप कुछ देशों में जाएंगे साउथ कोरिया या यहाँ पे, तो लोग अपनी मन की बात नहीं बोल पाते, क्योंकि क्या है वहाँ पे लोकतांत्रिक देश नहीं है वो तो यहाँ। लेकिन हमारे देश में क्या है, स्वतंत्रता है, बोलने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है, अपने विचार व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति व्यक्त करने की, विश्वास, धर्म और उपासना, इन सब की क्या है, पूरी तरह से हमें स्वतंत्रता है। हम जिस मर्जी धर्म को अपना सकते हैं, ये पूरी तरह हम पे डिपेंड है। तो ये इस चीज़ को लेके हम क्या है, पूरी तरह स्वतंत्र है। तो देश के नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। नंबर फोर्थ पे क्या आता है, देखिए, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। किसी भी नागरिक के साथ यदि जाति, धर्म, लिंग आदि का आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब भी न्याय की बात आएगी, तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी लिंग का हो, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब न्याय की बात आएगी, तो उन्हें सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा। उसके बाद नंबर आता है गणराज्य का। देखिए, देश में शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाएगा, न कि वंश द्वारा। ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो मेन प्रतिनिधित्व होगा वो कौन चुनेगा, जनता द्वारा चुना जाएगा। जनता के लिए जनता का शासन। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रमुख होगा देश का, शासन का प्रमुख होगा, उसे कौन चुनेगी, जनता ही चुनेगी, जनता अपने लिए ही उसे चुनेगी। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, गणराज्य, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्रात्मक, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर लोग अपना शासक खुद चुनते हैं, उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, लोकतंत्रात्मक का मतलब ही यही है कि जो जनता होती है वो अपना राजा खुद चुनेगा। अपना शासन व्यवस्था में जो मेन हेड होगा उसको कौन चुनेगा, अपना शासक खुद चुनते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो हम खुद चीफ मिनिस्टर्स को चुनते हैं अलग अलग एरिया वाइज, और ऐसे ही हम प्रधानमंत्री को, हम जब वोट हुए थे तो हमने चुना था उनको। तो ये वही बात वापस आएगी, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। इनको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। उसके बाद आता है पंथ निरपेक्षता। भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है, देश के किसी भी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जितने भी धर्म है भारत में वो सब समान है। ऐसा नहीं है कि हिंदू को ज़्यादा औचित्य दिया गया है और मुसलमान को कम दिया गया, सिख को कम दिया गया, नहीं। भारत में इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, क्योंकि भारत में अलग अलग टाइप के धर्म, यहाँ पे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो सभी धर्मों को क्या दिया गया, समान माना गया है। कि ऐसा नहीं है कि कुछ धर्म को कम मानेंगे, कुछ धर्म के लोगों को हम ज़्यादा मानेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी धर्म है वो क्या है, सब बराबर हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्षता। उसके बाद लास्ट आता है समाजवाद। सरकार जमीन और उद्योग के धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके। कि उसने कहा कि जो भी सरकार की जमीनी और उद्योग धंधों के जो भी अधिकार है उनको इस तरह बनाना चाहिए, जो उनसे रिलेटेड कानून है उनको इस तरह बनाएंगे जिससे कि सामाजिक और आर्थिक जो असमानताएँ हैं, कि बहुत अमीरी गरीबी या जो सामाजिक असमानताएँ हैं वो कम हो सके। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये हैं भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे भी आपके बहुत काम आएंगे। तो आपको अच्छे से एक एक इनके नाम तो अच्छे से याद होने चाहिए, और इनके मीनिंग मैंने आपको समझा दिए हैं, तो अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट्स। अगर एक बार ही में समझ ना आए तो मेरा वीडियो एक बार फिर देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है, इसके आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। तो सबसे ऊपर यही दिया गया है, देखिए ये रहा इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे। भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे हम संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है, तो पूरा इसके अंदर का आप लिख लेंगे कि जब क्या हो, ऐसी शासन व्यवस्था जहां लोग अपना शासक खुद चुनते हों और उन्हें जवाब देते हों। जवाब दे, मतलब अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उनकी ड्यूटी है हमें उसको आंसर करना, ठीक है। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, इस लाइन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है नंबर थर्ड पर, संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है। अब इन बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है, देखिए अगर ये बुनियादी मूल्य नहीं होंगे तो एक समाज जो है हमारा देश में, मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऐसा हुआ नहीं है कि 70 सालों से क्या हो रहा है, चलता आ रहा है इसका संविधान। कुछ संशोधन हुए हैं टाइम के साथ, लेकिन कंटिन्यूस चलता आ रहा है। कुछ देशों में क्या होता, संविधान बना फिर वो हट गया, नहीं चल पाया आगे, उसके बाद क्या हुआ, कुछ देशों में चला
तो सिर्फ बुक बनकर ही रह गया, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाया इसका। लेकिन हमारे संविधान में ये बुनियादी मूल्य ही थे, जहाँ पे क्या समझा गया था, सबको बराबर समझा गया था, कोई भेदभाव नहीं किया गया था, जाति धर्म के मामले में कोई भेदभाव नहीं था, और जनता द्वारा ही शासन चुना गया है, गणराज्य अवस्था है, लोकतांत्रिक अवस्था है, पंथ निरपेक्षता है, ये सब क्या है, ये सब भारत को जोड़े रखने में, उनकी एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यही सब इसका क्या है, महत्व है। नेक्स्ट देखिए, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है। अभी मैंने बताया आपको कि पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है, क्योंकि क्या करते हैं कि जो भारत है वहाँ पे सभी धर्मों को समान माना जाता है, किसी भी धर्म को ऊपर या नीचे नहीं माना जाता, इसीलिए क्या कहते हैं भारत को, धर्म निरपेक्ष राज्य। ठीक है, पंथ निरपेक्ष कह दो या धर्म निरपेक्ष कह दो, एक ही बात है। उसके बाद आप अपने जीवन में भारतीय संविधानों के मूल्यों को किस प्रकार दैनिक व्यवहार में लाएंगे। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, जो ये हमारे बुनियादी मूल्य है इन्हीं को ही सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बताओ, इन्हीं में से आप खुद सोचो, थोड़ा आइडिया मैं देती हूँ, थोड़ा आप खुद सोचेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि हमें हमारे निर्णय लेने में स्वतंत्रता है, तो हम ऐसे निर्णय लें जिससे दूसरों को क्या हो, कोई परेशानी ना हो। दूसरा क्या है, सभी के साथ एक अच्छा सा व्यवहार करें, बंधु तो अपने आस पड़ोस में या अपने स्कूल में, टीचर्स के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, सबके साथ बहुत अच्छे से अच्छा आचरण करें, अच्छे से व्यवहार करें, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना दें, सबके साथ समानता का व्यवहार करें, ऐसा ना समझे कि कोई अमीर है, गरीब है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का, ऐसा भेदभाव किसी के बीच में नहीं करना चाहिए जो भी आपके आसपास में है। और क्या है, सबको स्वतंत्र, अगर कोई आपके बारे में अच्छा कहता है या बुरा कहता है तो उसको गलत नहीं समझना है, अपने सबको अपने विचारों की क्या है, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद सबके साथ क्या होगा, सामाजिक न्याय होगा, जो न्याय है वो क्या होगा, पूरी तरह से उसमें कोई भेदभाव नहीं करना। उसके बाद क्या है, जब भी आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप जब भी 18 साल के हो जाएंगे तो आपको ज़रूर, जब आप वयस्क हो जाएंगे तो आपको वोटिंग ज़रूर करनी है, जो इलेक्शंस होते हैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, अपना वोट ज़रूर देना है, और किसी भी धर्म की, कभी भी किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना है। ये सब करके आप क्या कर सकते हैं, जो आपके बुनियादी मूल्य हैं उनका अपने अपने दैनिक जीवन में, व्यवहार में आप ला सकते हैं। तो इनको अपने शब्दों में आप लिख लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइएगा, और प्लीज़ स्टूडेंट मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।